जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। इस समय गिरिडीह जिले के पीरटार प्रखंड मुख्यालय के समीप हूं और आपको अपने स्क्रीन पर एक सुंदर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देखें स्क्रीन पर आपको भारत का राष्ट्रीय ध्वज और साथ में हमारे जो एक धार्मिक ध्वज है वो भी दिख रहा होगा। पास में आप देखें हमारे साथ इस समय काफी संख्या में यहाँ पर कावड़ भाई है जो कि उत्तर प्रदेश से वाराणसी से आए हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से ये भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देवघर बाबा धाम बाबा नगरी आए और दर्शन करने के बाद जलाभिषेक करने के बाद ये वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कांवड़ साथी हैं भाई हैं उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इनको ये जो भ्रमण है ये जो यात्रा है कांवड़ का कैसा लगा, किस तरह का अनुभव इन लोगों को मिला है यात्रा करके, कैसा अनुभव कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारे कुछ कांवड़ भाइयों से। आप थोड़ा पास आइए, आप थोड़ा सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। विशाल आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश चंदौली जिले के हैं। उत्तर प्रदेश चंदौली, कब वहाँ से चले थे? वहाँ से सोलह को चले थे। ये जो जत्था है आप लोगों का, जत्थे में कुल कितने लोग हैं? टोटल 11 लोग। 11 लोग हैं, 11 लोगों की टीम चले और आप दर्शन करके वापस लौट रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दर्शन करके वापस लौट रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा नजारा और बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिला हम लोगों को। और चल के बहुत, जब दर्शन करने गए थे बाबा का तो बहुत ही मन खुश हुआ देख कर। और हम पहली बार आए यहाँ पे, देख के बहुत बढ़िया लगा। पहली बार आप आए, भीड़ कैसा था वहाँ पर? बहुत भीड़ था, बहुत ही ज्यादा भीड़ था। बहुत जल चढ़ा पाए शिवलिंग पर? बिल्कुल, एकदम आराम से दर्शन हुआ बाबा का। ऐसा लगा बहुत क्या इस तरह का कोई मन्नत यहाँ पर आए थे, किस तरह का कोई आपका? नहीं कोई मन्नत नहीं करके इस प्रकार के तो पे आए थे आप दर्शन के? बस दर्शन के, मन में मन कामना था कोई तो भगवान पूरा कर। चलिए उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करे। आप हमारे साथ कुछ और भी कांवड़ साथी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से आए हैं जत्था, 11 लोगों की टीम है, बाबा के पास आए हैं दर्शन के लिए। आइए बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? कमलेश विश्वकर्मा जी, आप इस टीम में हैं, इस जत्थे में आप भी एक हैं। क्या आप वाराणसी से हैं? हाँ, चंदौली जिले। पहली बार झारखंड का देवघर आना हुआ या पहले भी आ चुके थे? नहीं, चौथा बार है। चौथा बार है, कैसा लगा आपको आकर? हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर हम लोगों को। कोई एक विशेषता बताइए, चौथी बार आप आ गए हैं तो क्या कुछ आपको लगा यहाँ पर आकर कि आप लगातार चार बार यहाँ पर आ चुके हैं बाबा का दर्शन करने के लिए? दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। घूमने आते हैं यहाँ पे तो यहाँ घूम, थोड़ा नजारा यहाँ का अलग होता है, थोड़ा सा देखने का घूमने का यही सब अच्छा लगता है। बाबा नगरी का विजिट हुआ है आप लोगों ने, वहाँ पर पूजा अर्चना की है, तो क्या आप लोगों ने अपने परिजनों के लिए, अपने जो संगे संबंधी हैं उनके लिए बाबा का आशीर्वाद और प्रसाद जो है वो लेकर उनके लिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके लिए प्रसाद साहब जो भी यहाँ का प्रसिद्ध चीज है वो लिए हैं यहाँ से और जो प्रसाद वगैरह लेकर जा रहे हैं। आप यूपी वाराणसी से हैं, पूरे देश भर के लोग जो है यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं, विभिन्न प्रकार की जो उनकी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं के साथ आते हैं। लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो आप भी उनके भक्त हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है वापस लौट कर दर्शन करने के बाद? सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है और दूसरी बात है दर्शन तो हुआ सर, मगर यहाँ प्रशासन जो हेमंत सोरेन जी किए हैं बहुत ही, मतलब हम लोग यहाँ पे विश्राम रात को किए, जो व्यवस्था किए हैं सर भोले बाबा की कृपा भी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। झारखंड सरकार जो है उसके, उनके तरफ से जो यहाँ पर आप लोगों के लिए किया गया है सुविधा बहुत बढ़िया। किस तरह की सुविधा? बहुत अच्छा सर, सुविधा में तो कोई मतलब भी बहुत अच्छा, मतलब कोई भी हम लोग को खोजने की कमी, कुछ कमी नहीं, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया, हर चीज बिल्कुल, कूलर से लेकर हर फैन वगैरह बहुत सब कुछ, बाथरूम भी अच्छी, सफाई स्वच्छता हर चीज, नहाने धोने मतलब कुछ को नहीं लगा, बहुत बढ़िया व्यवस्था। चलिए वाराणसी से आकर झारखंड में देवघर स्थित बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया आपने, शिवलिंग की पूजा अर्चना की आपने, जलाभिषेक किया आपने, अब आप वापस लौट रहे हैं झारखंड आकर, आपको अच्छा लगा है यहाँ पर? आप पहले भी आ चुके हैं और बार बार आते रहते हैं, आप बताएं यहाँ के जो, यहाँ का जो प्रचार है उनका जो वहाँ पर फैसिलिटी और सुविधा है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल। आप क्या नारा लगाएंगे भगवान भोलेनाथ के विषय में, आप यहाँ से वापस लौटते हुए क्या नारा लगाएंगे, आपके लोग आपको देख रहे हैं?
सर में ही बोलेंगे जय बाबा बैजनाथ की जय, बाबा सुखीनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, साथ कांवड़ साथी जुड़े थे, कांवड़ भाई जुड़े थे वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ये जत्था 11 लोगों की टीम जो है बाबा भोलेनाथ बैजनाथ देवघर से वहां पर उनका दर्शन करके जलाभिषेक करके वापस लौट रहे हैं। वापस लौटने के क्रम में पीरटाल प्रखंड मुख्यालय के पास इनका साक्षात्कार हो रहा है और इनमें से बहुत सारे लोग यहां पर कई बार पूर्व में भी आ चुके हैं और यहां का इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। झारखंड सरकार की तरफ से जो सुविधाएं इस पूरे मेला में यहां आने वाले जो देश भर के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो लगाया गया था उससे ये लोग भाई खुश हैं, अभिभूत हैं और यहां आकर इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। विभिन्न प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं इन लोगों की वो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। इसी को लेकर लगातार यहां पर लाखों लाख की संख्या में प्रतिवर्ष पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों का आगमन लगातार रहता है। लोग यहां पर आते हैं काफी खुश होकर यहां से वापस अपने गंतव्य की ओर लौटते हुए हमारे यहां के जो श्रद्धालुगण हैं। धन्यवाद।